वेलकम टू मरियम एग्री एकेडमी, प्लीज सब्सक्राइब। आज का जो टॉपिक है वो है मैंगो। मैंगो की जो मेजर डिजीजेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, एज वी हैव डिस्कस दी डिजीज ऑफ बनाना। बनाना की जो मेजर डिजीज है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है मैंगो की जो इम्पोर्टेंट डिजीज है, मेजर डिजीज है, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो डिजीज है मैंगो की वो है एंथ्रेक्नोज डिजीज, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म या पैथोजन जिसे कहा जाता है वो है कोलेटोट्राइकम गोलिस्पोरॉइड्स। ये इसका जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है। कॉजल ऑर्गेनिज्म पैथोजन जिसे कहते हैं, पैथोजन जो कि डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है 2016 के एएफओ के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। 2016 का जो एएफओ का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके देखिए जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए एंथ्रेक्नोज जो है वो यंग प्लांट की जो लीव्स होती हैं, यंग प्लांट की लीव्स होती हैं, इन्फ्लोरेसेंस होता है, स्टेम होता है, ठीक है, और फ्रूट, इन सारे ही पार्ट्स को जो है ये इन्फेक्ट करता है, सारे ही पार्ट को जो है अफेक्ट करता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, लीव्स में कुछ इरेगुलर स्पॉट्स जो है शो होते हैं कुछ इस तरह से। देखिए ये फर्स्ट वाला जो इमेज है, कुछ इस तरह के इरेगुलर स्पॉट्स जो है ये अपेयर होने लगते हैं जैसे जैसे इन्फेक्शन जो है प्लांट को अटैक करता है, पैथोजन जब अटैक करता है प्लांट को, तो इस तरह के स्पॉट्स जो है लीव्स पे विजिबल होने लगते हैं, और ये स्पॉट्स धीरे धीरे ब्लैक कलर के स्पॉट्स होने लगते हैं जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में ये ग्रेज ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन जब जो है सीवियरिटी बढ़ जाती है तो ये ब्लैक कलर के होने लगते हैं, और स्टेम पोर्शन में भी, स्टेम पोर्शन में भी जो है ये दिखाई देते हैं ग्रे ब्राउन कलर के, ब्लैक कलर के स्पॉट्स जो होते हैं स्टेम पोर्शन में भी अकर होते हैं। उसके बाद देखिए इन्फ्लोरेसेंस को, ये जो थर्ड वाला जो इमेज है, देखिए इन्फ्लोरेसेंस को भी जो है ये पैथोजन अटैक करता है, और इन्फ्लोरेसेंस कुछ इस तरह से जो है विजिबल होने लगता है, ब्लैक कलर का जो है इन्फ्लोरेसेंस सिम्टम शो करता है जब ये डिजीज जो है इसे अटैक करता है, पैथोजन अटैक करता है। उसके बाद देखिए जब सीवियरिटी बढ़ जाती है तो कुछ इस तरह से जो फ्रूट होते हैं उनमें भी जो है इस तरह के स्पॉट्स जो है नेक्रोटिक स्पॉट्स वो दिखाई देने लगते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट जो है फ्रूट के ऊपर दिखते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग, जो स्किन होती है फ्रूट की उसके बाहर जो है इस तरह के स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये जो ट्विक्स होती है प्लांट की वो डायबैक सिम्टम्स जो है डाउनवर्ड कॉजिंग जो है उनमें दिखाई देती है, डायबैक सिम्टम्स जो है वो शो करती है। तो ये जो है एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स होते हैं मैंगो में, जो ये डिजीज है मेजर डिजीज है, और बहुत ज्यादा हार्म जो है ये मैंगो के प्लांट को, मैंगो की क्रॉप को पहुंचाती है। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। अगर बात की जाए इसके फेवरेबल कंडीशंस की, देखिए इसकी फेवरेबल कंडीशन जो है टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी है अराउंड 95 to 97 अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है फील्ड में, तो ये जो है पैथोजन की ग्रोथ को जो है फेवर करेगा। अगर क्लाउडी कंडीशन है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है वेदर में, तो ये सारी कंडीशन जो है इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। और अगर फ्लावरिंग के टाइम पे, फ्लावरिंग के टाइम पे जो है मॉइस्चर है, फ्लावरिंग के टाइम पे जिस टाइम पे इन्फ्लोरेसेंस होता है या फ्रूट सेट होता है, उस टाइम पे अगर जो है बहुत ही क्लाउडी कंडीशंस हैं, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है, तो उस टाइम पे जो इन्फेक्शन होता है वो रैपिडली स्प्रेड आउट होता है फील्ड में। तो ये इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। अगर बात की जाए मोड ऑफ स्प्रेड और सर्वाइवल के, पैथोजन किस तरह से जो है स्प्रेड आउट होता है, किस तरह से सर्वाइव करता है, तो जो पैथोजन होता है प्राइमरी जो इसका सर्वाइवल होता है वो ड्राई लीव पे या डिफोलिएटेड फ्लावर जो होते हैं, डिफोलिएटेड फ्लावर मतलब जो ग्रे वे फ्लावर होते हैं सॉइल में, या जो लीव्स होती हैं इन्फेक्टेड लीव्स जो होती हैं उन पे जो है पैथोजन सर्वाइव करता है प्राइमरी, ठीक है, जो डिजीज फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो है सर्वाइव करता है। और फ्रूट में देखिए, फ्रूट में जो है अगर फ्रूट में की स्किन में जो है इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं, तो ये जो है स्टोरेज तक ट्रांसमिट हो जाता है पैथोजन, स्टोरेज में जो है भी ये पैथोजन जो है सर्वाइव करता है फ्रूट के ऊपर, फ्रूट की स्किन के ऊपर। और सेकेंडरी जो इन्फेक्शन का सोर्स है वो है एयरबॉर्न कॉनिडिया, एयरबॉर्न कॉनिडिया भी जो है इसका सेकेंडरी सोर्स है इस डिजीज के इन्फेक्शन के सर्वाइवल का, और जो पैथोजन होते हैं उसके स्प्रेड आउट होने का। तो ये सारे जो हैं इसके लिए मोड ऑफ स्प्रेडिंग एंड सर्वाइवल ऑफ पैथोजन।
तो ये नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। देखिए मैनेजमेंट में सबसे पहले जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं, जैसे अगर लीव्स में जो है सिम्टम शो हो रहे हैं तो इमीडिएटली उन लीव्स को जो है डिस्कार्ड किया जाता है, प्लांट से जो है रिमूव किया जाता है। इन्फ्लोरेसेंस अगर इन्फेक्टेड है तो इन्फ्लोरेसेंस को जो है रिमूव कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए स्प्रे किया जाता है फ्लोरेसेंस का एट 3 वीक्स इंटरवल में। 3 वीक्स के इंटरवल में जो है अक्टूबर महीने में जो है इसका स्प्रे किया जाता है 5 ग्राम पर फ्लावर ब्रांचेस। ब्रांचेस जो होती हैं फ्लावर की उनमें स्प्रे किया जाता है और ये अराउंड 5 to 7 स्प्रे किए जाते हैं। एक जो फ्लावर ब्रांच होती है उसमें अराउंड 5 to 7 स्प्रे जो है, अगर डिजीज जो है फील्ड में रिपोर्ट की जाती है तो 5 to 7 स्प्रे दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए बिफोर स्टोरेज, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि स्टोरेज में भी डिजीज जो है ट्रांसमिट करती है थ्रू दी फ्रूट, क्योंकि फ्रूट को भी ये इन्फेक्ट करती है, इसकी स्किन पे पैथोजन जो है वो इन्फेक्शन कॉज करता है। तो स्टोरेज से पहले जो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट दिया जाता है, अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर ट्रीटमेंट होता है वो फ्रूट को दिया जाता है 15 मिनट्स के लिए, या फिर डिप किया जाता है बेनोमोल सोल्यूशन, 500 ppm का, या थियोबेंडाजोल का जो 1000 ppm का सोल्यूशन होता है फॉर 5 मिनट्स। ये जो है ट्रीटमेंट दिया जाता है बिफोर स्टोरेज। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट आपको बताए जाते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार नैनीताल बैंक का जो एग्जाम हुआ था उसमें मैनेजमेंट भी पूछा गया था। राइनोसोरस बीटल का मैनेजमेंट पूछा गया था जो कि कोकोनट में जो है डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कंडीशन है स्टोरेज की, तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कौन सा सोल्यूशन यूज किया जाता है या कितना टेम्परेचर जो है यूज किया जाता है। तो जो यहाँ पे आपको पॉइंट बताए जाते हैं वो सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये डिजीज जो है वो है मैंगो की डिजीज एंथ्रेक्नोस। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो है मैंगो की वो है पाउडरी मिल्ड्यू। देखिए पाउडरी मिल्ड्यू एक फंगल डिजीज है जो कि ओडियम मेंजिफेरा जो है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ओडियम मेंजिफेरा से कॉज होती है पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज। देखिए एक और डिजीज है वो है डाउनी मिल्ड्यू। ये दोनों ही डिजीज जो है वो डिफरेंट डिजीज हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिटवीन पाउडरी मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू अलग है, पाउडरी मिल्ड्यू अलग है, दोनों ही फंगल डिजीजेस हैं लेकिन इनके कॉजल ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अलग होते हैं। अब देखिए जो पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है इस किस तरह से जो है ये प्लांट को जो है हार्म करती है। देखिए इसके जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं पाउडरी मिल्ड्यू की, ये जो है लीव्स में कुछ इस तरह से लीव्स में इन्फ्लोरेसेंस में जो है अकर होते हैं। कुछ इस तरह से जो है ये एक पाउडरी फंगल ग्रोथ जो है, एक सब्सटेंस व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो है लीव्स के ऊपर। देखिए ये जो फर्स्ट वाली इमेज है ये इन्फ्लोरेसेंस है, देखिए ये भी देखिए, इसमें भी देखिए व्हाइट कलर का एक जो है सिक सब्सटेंस जो है विजिबल हो रहा है जब इन्फेक्शन कॉज होता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो अपर सर्फेस होता है लीव का उसमें कुछ इस तरह के जो व्हाइट सब्सटेंस होते हैं पाउडरी लाइक सिम्टम्स जो है वो दिखाई देते हैं। इस तरह से कुछ सिम्टम्स जो हैं वो दिखाई देने लगते हैं और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है तो फ्लावर्स में भी और फ्लावर में भी जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं वो प्री मेच्योरली जो है गिरने लगते हैं प्लांट से, जो लीव्स होती हैं वो पूरी इन्फेक्टेड हो जाती हैं और इनका जो है प्री मेच्योरली जो है ड्रॉप होने लगता है प्लांट से। देखिए जो पाउडरी मिल्ड्यू है ये बहुत ही ज्यादा सीरियस डिजीज है मैंगो की, और ये डिजीज जो है मैंगो की हर एक वैरायटी में जो है ये कॉज होती है। ये पाउडरी मिल्ड्यू जो है बहुत ही कॉमनली कॉज होने वाली डिजीज है मैंगो में, और ये हर एक मोस्टली जो है सारी ही वैरायटीज में जो है ये डिजीज रिपोर्ट की जाती है। तो ये इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो बेसिकली पाउडरी सब्सटेंस, इस तरह का व्हाइट कलर का सब्सटेंस जो अपेयर होने लगता है इन्फ्लोरेसेंस में या लीव्स में, तो ये सारे जो है पाउडरी मिल्ड्यू के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस जो होती हैं वो हाई ह्यूमिडिटी अगर होती है, ठीक है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर फील्ड में है और अगर क्लाउडी कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा मॉइस्चर जो है फील्ड में है, तो ये सारे इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। रेनी सीजन बेसिकली जो है बहुत ही प्रोन सीजन होता है पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। अगर इसके मोड ऑफ सर्वाइवल की बात की जाए, देखिए मोड ऑफ सर्वाइवल, सबसे पहले जो माइसीलियम होती है, माइसीलियम जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो अफेक्टेड लीव्स में जो है सर्वाइव करते हैं, और सेकेंडरी जो इसका सोर्स होता है वो एयरबॉर्न कॉनिडिया होते हैं। देखिए जो फंगल डिजीज होती है वो एयर के थ्रू बहुत रैपिडली जो है स्प्रेड आउट होती है, क्योंकि जो कॉनिडिया या जो स्पोर्स होते हैं फंगस के वो ट्रांसमिट हो जाते हैं थ्रू दी एयर। तो ये इसका मोड ऑफ सर्वाइवल एंड मोड ऑफ स्प्रेड है। ठीक है,
तो उसके बाद देखिए पाउडरी मिल्ड्यू की अगर मैनेजमेंट की बात की जाए तो इसमें मैनेजमेंट के लिए जो है इसमें डस्टिंग की जाती है, ठीक है, फाइन सल्फर की 200 to 300 मेश जो है एट द रेट ऑफ 0.5 kg पर ट्री जो है सल्फर की डस्टिंग की जाती है। और जो सेकेंड जो मैनेजमेंट किया जाता है, देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन जो है फ्लावरिंग टाइम पे सून आफ्टर द फ्लावरिंग एंड सेकेंड जो है 15 डेज लेटर सबसे पहले जो है आफ्टर फ्लावरिंग जो है इसका एप्लीकेशन दिया जाता है। उसके बाद जो सेकेंड एप्लीकेशन होता है वो 15 दिन बाद दिया जाता है, स्प्रे विद वेटेबल सल्फर 0.2% या फिर जो है कार्बेंडाजिम का एप्लीकेशन दिया जाता है 0.1% या ट्राइडोमोफ का दिया जाता है 0.1%, ठीक है, या फिर जो है कैराथेन का 0.1%। और का मतलब होता है या तो जो है ये वाला एप्लीकेशन दिया जाएगा या फिर ये वाला एप्लीकेशन दिया जाएगा, ये सारे एप्लीकेशन साथ में नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। तो और का मतलब होता है या, तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। अदर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ये होती हैं किसी भी फंगल डिजीज के लिए कि अगर कोई भी फंगल डिजीज जो है फील्ड में रिपोर्ट की जाती है तो इमीडिएटली उन पार्ट्स को जो है रिमूव कर देना ही जो है इसका सबसे पहला मैनेजमेंट होता है, क्योंकि फंगल डिजीज बहुत ही ज्यादा रैपिडली जो है फील्ड में स्प्रेड आउट होती है। अगर उसके लिए फेवरेबल कंडीशन फील्ड में है तो फिर जो फंगल डिजीज होती है वो रैपिडली जो है फील्ड को कवर कर लेती है, क्योंकि फंगल जो है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं और उसके लिए अगर मॉइस्चर फील्ड में इनफ मॉइस्चर अवेलेबल है तो पैथोजन बहुत जल्दी जो है प्लांट पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है फंगल डिजीज जो कि पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज है, मैंगो की पाउडरी मिल्ड्यू डिजीज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। लेकिन नेक्स्ट जो डिजीज है मैंगो की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है और बहुत ही फ्रिक्वेंटली कॉज होने वाली डिजीज है, मैंगो मल फॉर्मेशन। मैंगो मल फॉर्मेशन जो कि कॉज होता है फ्यूजेरियम मोलिफोरम से, और सब ग्लूटेनन्स जो है इसका वैरायटी है, इसकी स्पीसीज जो है मल फॉर्मेशन फ्यूजेरियम की जो कि कॉज करती है मल फॉर्मेशन को। देखिए मल फॉर्मेशन, मैंगो का मल फॉर्मेशन जो है बहुत ही सीरियस डिजीज है और मैंगो में ये बहुत ही ज्यादा रिपोर्ट की जाती है। देखिए मल फॉर्मेशन में क्या होता है, मल फॉर्मेशन में सिम्टम्स जो होते हैं कुछ इस तरह से अपेयर होते हैं, बंची टॉप फेज में फ्लोरल मल फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव मल फॉर्मेशन। देखिए बंची टॉप जो स्टेज होती है इस टाइम पे जो है जो प्लांट होता है वो कुछ बंच टाइप सिम्टम्स जो है शो करने लगता है, देखिए कुछ इस तरह से, देखिए फर्स्ट इमेज में जो आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह के सिम्टम्स जो है ये शो करता है, स्वेलन हो जाती हैं, ठीक है, स्मॉल स्मॉल जो है लीव्स उसमें अपेयर होने लगती हैं, स्मॉल लीव्स होती हैं, कुछ बहुत छोटी छोटी लीव्स जो है दिखाई देने लगती हैं, तो वो सारे सिम्टम जो है मल फॉर्मेशन के होते हैं। स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है, प्लांट जो है स्टंटेड ग्रोथ शो करता है जब बंची फेज जो है आती है। उसके बाद फ्लोरल मल फॉर्मेशन, देखिए फ्लोरल मल फॉर्मेशन में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसमें कुछ जो है बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ग्रोथ जो है दिखाई देने लगती है, एक जो है बंच लाइक अपीयरेंस जो है इन्फ्लोरेसेंस देने लगता है, वो बहुत ही इल सिम्टम जो है शो करने लगता है। तो ये सारे जो है देखिए कुछ इस तरह से, देखिए इस तरह से जो है ये सिम्टम शो करता है। और फिर आता है वेजिटेटिव मल फॉर्मेशन, देखिए वेजिटेटिव मल फॉर्मेशन में कुछ इस तरह के सिम्टम्स, देखिए लीव्स, देखिए ब्रांच में जो है लीव्स दिखाई देने लगती हैं छोटी छोटी, कुछ बंचेस में जो है ये लीव्स अपेयर होने लगती हैं। तो ये सारे जो है मल फॉर्मेशन के जो है सिम्टम्स होते हैं, शॉर्ट इंटरनोड्स होने लगती हैं, एक्सेसिव वेजिटेटिव ब्रांचेस जो है दिखाई देने लगती हैं, ठीक है, लिमिटेड ग्रोथ इन सीडलिंग्स में जो है लिमिटेड ग्रोथ शो होने लगती है। देखिए इन्फ्लोरेसेंस में वेरिएशन, पैनिकल जो है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है मैंगो का, तो इसमें वेरिएशन आने लगते हैं और ये जो है कुछ जो है बंच टाइप और कुछ जो इल सिम्टम्स जो है शो करने लगता है जो कि मल फॉर्मेशन में होते हैं, मैंगो मल फॉर्मेशन में, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा जो है कॉमन डिजीज है मैंगो की जो कि अकर होती है मैंगो में। इसके अदर भी रीजंस होते हैं, मल फॉर्मेशन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण भी होता है, फ्लक्चुएशन टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो वो भी जो है फेवर करता है पैथोजन की ग्रोथ को, पैथोजन के लिए स्प्रेड आउट होने के लिए प्लांट जो है वीक हो जाता है, ठीक है। और जो इसके पार्ट्स होते हैं वो अनइवन ग्रोथ जो है शो करने लगते हैं, बहुत ही ज्यादा इल सिम्टम्स कुछ इस तरह से, देखिए बहुत ही छोटी छोटी लीव्स जो है वो अपेयर होने लगती हैं, जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो बेसिकली जो है बहुत ही इल सिम्टम्स शो करता है, ठीक है, अनइवन ग्रोथ जो है शो करता है या बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव ग्रोथ जो है शो करता है। तो ये सारे ही जो है मल फॉर्मेशन के सिम्टम्स होते हैं।
देखिए इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड होता है मल फॉर्मेशन का, वो प्रोपोगेटेड मटेरियल जो होता है, ठीक है, अगर इन्फेक्टेड प्रोपोगेटेड मटेरियल है तो उससे बेसिकली जो है ये स्प्रेड आउट होती है डिजीज, इन्फेक्टेड प्रोपोगेटेड मटेरियल से, प्लांटिंग मटेरियल जो होता है। इसके लिए मैनेजमेंट किए जाते हैं, देखिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट होता है उसमें जो है जो प्लांट होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट उनको जो है रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल यूज किया जाता है, डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद देखिए जो स्प्रे किया जाता है अराउंड 100 टू 200 ppm का नेफ्थल एसिटिक एसिड का स्प्रे किया जाता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर, और उसके बाद देखिए प्रूनिंग की जाती है, जो डिजीज पार्ट होते हैं उनकी प्रूनिंग की जाती है 15 टू 20 सेंटीमीटर अपेरेंटली हेल्दी पोर्शन, ठीक है, बेसल से जो 15 टू 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है वो उनको प्रून किया जाता है, और उसके बाद जो है स्प्रे किया जाता है कार्बेंडाजिम का या कैप्टेफोल का, कार्बेंडाजिम 0.1% या कैप्टेफोल 0.2% का स्प्रे किया जाता है आफ्टर दी प्रूनिंग। तो ये जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि मैंगो मल फॉर्मेशन में की जाती है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है मैंगो की। इसके अदर भी रीजंस मैंने आपको बताए हैं, जो अदर्स रीजन होते हैं वो बेसिकली फेवरेबल कंडीशंस होती हैं मल फॉर्मेशन के लिए, जिससे जो है मल फॉर्मेशन कॉज होता है, ठीक है, टेम्परेचर का अनइवन होना या जो है न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी होना, ये सारे भी जो है मल फॉर्मेशन के कॉज होते हैं, मल फॉर्मेशन जो होता है उसके लिए, उसके पैथोजन के लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं। तो ये थी मल फॉर्मेशन डिजीज ऑफ मैंगो। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है मैंगो की वो है स्टेम एंड रॉड डिजीज, विच इज कॉज बाय डिप्लोडिया नेटेलेंसिस। डिप्लोडिया नेटेलेंसिस इज द पैथोजन और द कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर दिस डिजीज। देखिए इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्रूट पे बेसिकली जो है अपेयर होते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये वाला जो इमेज है, देखिए इनिशियली जो स्टेज होती है उसमें कुछ इस तरह के स्पॉट्स जो है दिखाई देते हैं, सर्कुलर स्पॉट्स जो है दिखाई देते हैं, और धीरे धीरे जो है ये ब्लैक पैच में जो है कन्वर्ट होते जाते हैं और एनलार्ज होते जाते हैं कुछ इस तरह से, देखिए कुछ इस तरह से, और जब जो है मॉइस्चर अगर वेदर में होता है, मॉइस्चर अगर वेदर में है या ह्यूमिड कंडीशन है तो रैपिडली जो है ये फ्रूट को रॉट कर देता है, विद इन 2 to 3 days जो है पूरा फ्रूट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ इस तरह से। देखिए थर्ड वाला जो इमेज है, पूरा फ्रूट जो है वो उसमें ब्लैक पैच जो है पूरा इनलार्ज हो जाता है, और जो इसका पला पल्प होता है फ्रूट का वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। देखिए रेनी सीजन में या नॉर्मल ही ये जो डिजीज है देखने को मिलती है मैंगो में, आपने भी जो है ये विजुलाइज की होगी, आपने देखा होगा मैंगो का जो ये वाला पोर्शन होता है ये अक्सर जो है रेनी सीजन में या जब वेदर जो है मॉनसून का होता है उस टाइम पे दिखाई देते हैं फ्रूट के जो ये एंड पोर्शन होता है यहाँ पे जो है इस तरह के स्पॉट दिखाई देते हैं। तो ये जो स्पॉट्स होते हैं वो स्टेम एंड रॉड डिजीज के होते हैं और ये कॉमनली जो है दिखाई देते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके सिम्टम्स होते हैं स्टेम एंड रॉट के। अगर इसके मोड ऑफ स्प्रेड की बात की जाए तो देखिए जो पैथोजन होता है बेसिकली वो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स जो होते हैं, ठीक है, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स जो होते हैं उनसे जो है कॉज होता है, उन्हीं से जो है ये जो है इसका प्राइमरी सोर्स होते हैं इन्फेक्शन को कॉज करने का। तो ये इसका मोड ऑफ स्प्रेड और मोड ऑफ सर्वाइवल होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले जो फ्रूट्स होते हैं अगर वो देखिए अगर हार्वेस्टिंग के टाइम पे कोई फ्रूट्स में ये डिजीज अगर रिपोर्ट की जाती है तो उन्हें जो है अलग कर दिया जाता है, उन्हें जो है ग्रेड कर दिया जाता है, जो जो हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है, इन्फेक्टेड फ्रूट्स को जो है स्टोरेज में नहीं रखा जाता। तो ये सबसे पहले इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस होती है। उसके बाद देखिए प्रूनिंग की जाती है, इन्फेक्टेड ट्विग्स को जो है रिमूव किया जाता है और कार्बेंडाजिम का या थियोफेनेट का जो है स्प्रे किया जाता है या मिथाइल का, थियोफेनेट मिथाइल का 0.1% या क्लोरोथेनोलिल का जो है 0.2% एज अ फोर्टनाइटली इंटरवल ड्यूरिंग रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन जो है बहुत ही प्रोन सीजन होता है इस डिजीज के लिए, तो फोर्टनाइट मतलब एवरी 14 डेज का जो इंटरवल होता है उसमें जो है इनका स्प्रे किया जाता है, ठीक है, इनमें से किसी भी एक केमिकल का जो है स्प्रे किया जाता है डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जो है इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है स्टेम एंड रॉड डिजीज ऑफ मैंगो। चलिए नेक्स्ट डिजीज देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है वो है रेड रस्ट। देखिए रेड रस्ट जो कि आपकी कॉज होती है सेफिलोरियस से वेरेसेंस, सेफिलोरियस वेरेसेंस से जो है कॉज होती है, ये इसका पैथोजन है और ये जो है एल्गे,
एल्गी है जो कि अटैक करता है प्लांट को, और रस्ट स्पॉट जो है अपेयर करता है कुछ इस तरह से। देखिए ये रस्ट कलर के स्पॉट जो है लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे जो है ये येलो टू रस्टी कलर होता है, ठीक है, कॉपर कलर बेसिकली। देखिए इस तरह से लोअर सर्फेस में, इस तरह से अपर सर्फेस में ये जो है ये दिखाई देते हैं, और बेसिकली जो है ये फोलिएज को, जो एल्गी होता है वो फोलिएज को अटैक करता है, और जो ट्विक्स होते हैं, ठीक है, ट्विक्स जो होते हैं उनको जो है अटैक करता है, और इस तरह से जो है ये सिम्टम शो करने लगता है। कुछ इनिशियली सर्कुलर कलर के स्पॉट्स होते हैं, स्लाइटली जो है वो जो है बड़े होने लगते हैं, ठीक है, एलिवेट होने लगते हैं, और कुछ इरेगुलर जो है स्पॉट्स लीव्स में दिखाई देने लगते हैं, और इनका जो है प्री मेच्योर्ड जो है फॉल होने लगता है लीव्स का, फोलियज जो है वो विदर होने लगता है, और उसका प्री मेच्योरली जो है जो लीव्स होती हैं वो ड्रॉप होने लगती हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो है ये कुछ वेलवेट कलर का टेक्सचर जो है लीव्स के ऊपर क्रिएट करने लगता है, जैसे जैसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है जो स्पोर्ट्स हैं वो जो है फॉल ऑफ करते हैं, एंड लीव्स में जो है व्हाइट वेलवेट टेक्सचर जो है शो करने लगते हैं। तो ये जो है रेड रस्ट के सिम्टम्स होते हैं मैंगो में, ठीक है, और ये भी बहुत ही कॉमनली जो है मैंगो की लीफ में आपको देखने को मिलेगा। ये रस्ट जो है बहुत कॉमनली आपको मैंगो की लीफ अगर आप देखेंगे तो उसमें ये रस्ट डिजीज जो है देखने को मिल जाती है। तो इसके कुछ इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए बॉडेक्स मिक्सचर का जो है, और या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का यूज किया जाता है। बॉडेक्स मिक्सचर 0.6% एंड कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.2%, इन दोनों में से किसी भी एक केमिकल का जो है यूज किया जाता है इसके मैनेजमेंट के लिए, और जो इन्फेक्टेड लीव्स होती हैं उनको इमीडिएटली जो है डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, फील्ड से डिस्कार्ड कर दिया जाता है। बेसिकली ये फोलिएज को अटैक करता है, तो फोलिएज को क्लीन रखना, इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स को जो है फील्ड से रिमूव करना, that is basically the very first operation under the management practices for the red rust disease of mango. ठीक है, तो ये थी red rust disease of mango. आगे देखते हैं, देखिए next जो disease है ये है grey blight. grey blight जो कि pestilosia mangifera से cause होती है, this is the pathogen for the grey blight disease. देखिए ये वाली जो disease है इसमें कुछ इस तरह के brown spots, ये कुछ इस तरह के स्पॉट्स, कुछ इस तरह के स्पॉट जो है लीव्स पे और जो ट्विक्स होता है उस पे दिखाई देते हैं। इन्फ्लोरेसेंस में भी देखिए इस तरह से जो है ये सिम्टम्स अपेयर होते हैं। धीरे धीरे ये जो स्पॉट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से एनलार्ज होने लगते हैं और लीव का पूरा ही एरिया जो है ये कवर करने लगते हैं, ठीक है। पैथोजन जो होता है वो बेसिकली मैंगो लीव्स के ऊपर सर्वाइव करता है, मैंगो लीव्स जो होती है ये मैंगो लीव्स इनके ऊपर पैथोजन जो है सर्वाइव करता है, और ओवर अ ईयर एक साल तक जो है बेसिकली ये जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होते हैं उनमें सर्वाइव कर सकता है। तो देखिए अगर प्लांट डेब्रिस फील्ड में जो है अगर हैं तो प्लांट डेब्रिस जो है इसके लिए सोर्स होती है इन्फेक्शन का, मतलब अगर देखिए किसी प्लांट में अगर इन्फेक्शन है उसके फोलिएज उसकी लीव्स जो है अगर जो है सॉइल में भी रहती हैं तो उसकी लीव्स के ऊपर पैथोजन सर्वाइव करता है ओवर अ ईयर, एक साल तक जो है पैथोजन सर्वाइव कर सकता है और इन्फेक्शन को न्यू क्रॉप में भी जो है कॉज कर सकता है न्यू अपकमिंग सीजन में, जब मैंगो का सीजन आता है या मैंगो प्लांट में जो फ्रूटिंग होती है उस टाइम पे जो है इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो देखिए लीव्स में ब्राउन कलर के सिम्टम्स जो कि बाद में जो है पूरा ही लीव्स को कवर कर लेते हैं, ठीक है, इंक्रीज इनका साइज जो है इंक्रीज होने लगता है, डार्क ब्राउन से ये ब्लैक कलर के डॉट्स होने लगते हैं इस तरह से, देखिए, ठीक है। और एयरबॉर्न विंड से, विंडबॉर्न कॉनिडिया जो है इसको डिजीज को स्प्रेड आउट करता है, और जो इन्फेक्शन होता है हैवी इन्फेक्शन वो ड्यूरिंग द मॉनसून रिपोर्ट किया जाता है, जब टेम्परेचर 20-25 डिग्री सेल्सियस होता है और हाई ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, फेवरेबल कंडीशन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन विद द टेम्परेचर ऑफ 20-25 डिग्री सेल्सियस विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये इसके लिए जो है फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। और इस ये जो है स्प्रेड होती है एयरबॉर्न कॉनिडिया से, कॉनिडिया जो है स्प्रेड आउट होते हैं तो ये इसके लिए जो है ये इसका रीजन होती है इसके इन्फेक्शन को स्प्रेड आउट करने के लिए, एयरबॉर्न विंडबॉर्न कॉनिडिया। कॉनिडिया स्पोर्ट्स होते हैं जो कि पैथोजन के स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जो इन्फेक्शन को कॉज करते हैं और स्प्रेड आउट होते हैं फील्ड में या ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये इसके लिए जो है
फेवरेबल कंडीशन और इसका मीडियम है डिजीज को स्प्रेड आउट होने का। उसके बाद अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की बात की जाए तो देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के लिए जो है सबसे पहले जो है डिस्ट्रॉय और इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट को रिमूव किया जाता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 0.25% और मैनकोजेब 0.25% या फिर बॉर्डेक्स मिक्सचर 1% जो है इसका जो है स्प्रे किया जाता है। ये इसके लिए मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। और जो इन्फेक्टेड जो फोलिएज होता है, इन्फेक्टेड लीव्स होती है, इन्फेक्टेड इंफ्लोरेसेंस होता है, उसे इमीडिएटली जो है बर्न कर दिया जाता है, क्योंकि ये जो पैथोजन होता है वो लीफ के ऊपर ही सर्वाइव करता है। इनको डंप नहीं जो है फील्ड में करना चाहिए, जो लीव्स होती हैं उन्हें इमीडिएटली बर्न कर देना चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स होते हैं उन्हें बर्न कर दिया जाता है ताकि जो इन्फेक्शन है वो जो है जो पैथोजन है वो सर्वाइव ना कर पाए। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है मैंगो की वो है शूटी मोल्ड। देखिए शूटी मोल्ड जो कि कैप्नोडियम मेंजिफेरा से कॉज होती है। कैप्नोडियम मेंजिफेरा इज द कॉजल ऑर्गेनिज्म और द पैथोजन फॉर द डिजीज। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, देखिए ये जो सिम्टम्स होते हैं कुछ इस तरह से लीव्स में जो है अपेयर होते हैं। फंगस जो होता है वो माइसीलियम को इस तरह से जो है पूरे लीव्स के ऊपर स्प्रेड आउट करता है। कुछ इस तरह के ब्लैक कलर के सिम्टम्स, स्पॉट्स जो है पूरी ही लीव के ऊपर, देखिए पूरी लीव को जो है ये कवर कर देते हैं कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से जो है ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, डार्क कलर के, डार्क ब्लैक कलर के जो है ये इंक्रस्टेशन जो है फॉर्म होती है। और ये जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करती है। देखिए फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब करेगी क्योंकि पूरी ही लीव को, देखिए ये जो स्पोर्स होते हैं माइसीलियम जो ग्रोथ होती है पूरी लीव को इस तरह से कवर कर लेती है। तो इसका क्या होता है, इसके कारण फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो होती है वो जो है अफेक्ट होती है। और फंगस जो है पूरे ही लीफ सरफेस को कवर कर देता है, धीरे धीरे पूरे लीफ को जो है कवर कर देता है। देखिए पूरी लीफ ब्लैक कलर के जो है माइसीलियल ग्रोथ जो है ये शो कर रही है। अब देखिए ये फंगस बेसिकली ग्रो कैसे होता है। देखिए ये जो है शुगरी सब्सटेंस सीक्रेट किया जाता है जैसेट्स, एफिड और जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके द्वारा। और ये जो शुगरी सब्सटेंस होता है इसके ऊपर फंगल ग्रो जो है ग्रो करता है। तो अगर प्लांट जो फील्ड है जहां पे प्लांट है वहां पे अगर इनकी पॉपुलेशन, एफिड की पॉपुलेशन, जैसेट्स की पॉपुलेशन या किसी भी इंसेक्ट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज हो रही है तो शूटी मोल्ड की भी जो वहां पे पॉसिबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं इनके द्वारा एक सुगरी सब्सटेंस जो है रिलीज किया जाता है जिसके कारण जो है फंगस जो है उसमें ग्रो करता है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है देखिए एफिड और जो स्केल्स होते हैं इनके द्वारा जो है जो सब्सटेंस होता है उसमें फंगस बेसिकली ग्रो करता है। देखिए इसके मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले जो है इंसेक्टिसाइड का जो है स्प्रे किया जाता है, मोनोक्रोटोपोज और मिथाइल डेमेटोन का जो है स्प्रे किया जाता है। इनके लिए ट्रैप्स जो है फील्ड में लगाए जाते हैं, ट्रैप्स ताकि जो है इंसेक्ट को, इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, अगर इस इंसेक्ट की पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो फंगस जो है ग्रो नहीं करेगा क्योंकि फंगस जो सीक्रेशन होता है इनका सुगरी सीक्रेशन उसके ऊपर ही ग्रो करता है। तो इसीलिए जो है सबसे पहले इंसेक्ट की पॉपुलेशन को जो है कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टार्च सॉल्यूशन का जो है एप्लीकेशन दिया जाता है। 1 kg स्टार्च इन 5 liter ऑफ वाटर जो है बॉईल किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है 20 liter ऑफ वाटर में और इसका एप्लीकेशन दिया जाता है ताकि इसके साथ फंगस जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशन जो है मैनेजमेंट एप्लीकेशन दी जाती है शूटी मोल्ड के लिए। और शूटी मोल्ड के लिए और इंसेक्ट दोनों के लिए ही जो है मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे पहले जो है इंसेक्ट की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर इंसेक्ट जो है फील्ड में रिपोर्ट किए जा रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे जो है बहुत ज्यादा जो है नेसेसरी होता है। तो ये इसके लिए जो है मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं फॉर द शूटी मोल्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेजर डिजीज ऑफ द मैंगो। मैंगो की जो मेजर डिजीज थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड इट एज वेल। देखिए डिजीज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डिजीज के रिगार्डिंग जो है पिछली बार भी क्वेश्चन पूछे गए थे और इस बार भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज डिजीज को जो है आप बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से जो है पढ़े, अपने कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा बहुत जल्द हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन यू गाइस कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच।